हेलो स्टूडेंट्स माए सिर्फ डॉक्टर यशराज परदेशी डायरेक्टर ऑफ एकेडमी ऑफ बायोलॉजी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स तो पहले हम पढ़ते हैं अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया यू नो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल क्योंकि वहां पर बनते हैं ए आपको पता होना चाहिए क्या माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट ईजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप अनलेस स्टैंड तो उसे अगर स्टेनिंग ना हो उसकी स्टेनिंग ना की गई हो तो वो दिखता नहीं है माइक्रोस्कोप के मदद से क्यों क्योंकि क्यों, क्यों कलरलेस सेल ऑर्गेनल है और वो कैसा सेल ऑर्गेनल है डबल मेम्ब्रेन सेल उसमें दो मेम्ब्रेन होती है जो आगे हम पढ़ेंगे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन सो फॉर स्टेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया जैनस ग्रीन स्टेन इज जैनस ग्रीन स्टेन तो ये एक पॉइंट आप, आप आपके एनसीआरटी में या नोटबुक में नोट डाउन करना फिर द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल ठीक है अलग अलग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द सेल जो सेल को ज्यादा एनर्जी लगती है उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं शेप और साइज में भी वो डिफर करता है जनरली इट इज सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल इन शेप उसका डायमीटर होता है पॉइंट टू टू वन माइक्रोमीटर जैसा मैं यहाँ लिखता हूँ पॉइंट टू टू वन माइक्रोमीटर इन डायमीटर और लेंथ होता है उसका वन टू फोर पॉइंट वन माइक्रोमीटर ठीक है तो ये आपको याद रखना है जैसा मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन यू कैरियोटिक सेल तो ये प्रो कैरियोटिक सेल में नहीं होते फिर मैच्योर आरबीसीज़ में भी माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। ये एक पॉइंट याद रखना दे आर एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसीज और एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं इन इन जनरल ग्रीन प्लांट सेल्स कंटेन लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एज कंपेयर टू नॉन ग्रीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स तो ग्रीन प्लांट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है एज कंपेयर टू नॉन ग्रीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन के बारे में इन द अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो ये डायग्राम आप आपके एनसीआर में भी रेफर कर सकते हो और यह डायग्राम आप निकाल के रखना आपके नोटबुक में प्लीज ड्रॉ इट ओके इट हैज टू मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन इन टू फोल्ड जैसे आप देख सकते हो द फोल्ड्स आर कॉल्ड एज क्रिस्ता और उसके कारण सरफेस एरिया बढ़ता है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं ठीक है फिर दो मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस होती है उसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट होता है इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो आई विल रिपीट माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विथ टू मेम्बरे आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन इन टू फोल्ड कॉल क्रिस्ता द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन देर इज अ फ्लूड मैट्रिक्स Present. फिर आपको पता होना चाहिए इनर मेम्ब्रेन में होते हैं F1 पार्टिकल्स जो मैंने यहां ड्रॉ किए हैं आप देख सकते हो F1 पार्टिकल्स जिसे F0 F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए यूजफुल है बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया इट्स अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जो हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं इनर तो मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं F1 F1 पार्टिकल्स जिसे F0, पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं फिर आप देख सकते हो F1 पार्टिकल्स का मैंने यहां स्ट्रक्चर बताया है इट हैज बेस स्टॉक एंड द हेड एंड F1 पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब प्रेजेंस सॉरी फॉर्मेशन ऑफ ए टीपी ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वॉट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन formation of atp due to oxidative and reductive reactions jo hum padhne wale hai respiration wale topic mein abhi ke liye beta aapko sirf yaad rakhna hai inner membrane that is cristae par hote hai oxysomes and oxysomes are the site of ets वहाँ electron transport system होती है जिसके मदद से ATP तैयार होता है ठीक है अभी के लिए आपको ये याद रखना है एक ऐसा classic question बनता है माइटोकॉन्ड्रिया sites of aerobic respiration ठीक है वॉट इज एरोबिक रेस्पिरेशन वो हम देखेंगे रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफ हेंस दे आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसके इनर मेम्ब्रेन में बहुत एंजाइम होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में भी कुछ एंजाइम होते हैं मैट्रिक्स में एंजाइम होते हैं वेरियस प्रोसेस यहाँ पर रेस्पिरेशन की परफॉर्म होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में फिर आपको याद होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है होता है तो यहां मैं ड्रॉ करता हूं फॉर एग्जाम्पल ये है उसका है। फिर उसमें होते राइबुजोम्स। राइबुजोम्स होते राइबोसोम्स, राइबोसोम्स ठीक है, 70S टाइप, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं विद आवर नोट्स तो आप देख सकते हो नोट्स का पॉइंट नंबर ट्वेंटी नाइन जैसा मैंने लिखा है साइट ऑफ रेस्पिरेशन

एंजाइम्स ऑफ क्रेप साइकिल या टी सी ए साइकिल होते जो हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में टीसीए साइकिल का आप लॉन्ग फॉर्म लिख देना अभी के लिए आगे आपको काम आएगा ट्राई एसिड साइकिल तो ये भी एक क्लासिक क्वेश्चन बनता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल टेक्सप्लेसिन तो आप कहंगे माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है उसका डीएनए सिमिलर होता है प्रो कैरियोटिक को इट इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए साथ ही साथ उसमें डीएनए से आरएनए भी बनता है और उसके पास होते तो हैं राइबोसोम्स सेवेंटी एस जिसे प्रोकैरियोटिक में थे उसका स्प्लिट फिफ्टी एस प्लस थर्टीएस तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है राइबोसोम्स से आरएनए है इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल क्यों क्योंकि

माइटोकॉन्ड्रिया इज एबसेंट इन प्रो कैरियोटिक सेल एंड अन यू कैरियोटिक सेल जो अनएरबिक यू कैरियोटिक सेल रहते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और प्रो कैरियोट्स में वो नहीं होता फिर एक पॉइंट याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन फिजन मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो दो से चार दैट इज कॉल्ड एज फिजन तो ये सब हमने आपको बताया अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया जब हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे जब भी हमें माइटोकॉन्ड्रिया रिवाइज करना पड़ता है तो ये सब पॉइंट्स जब आपको याद होने चाहिए सो दिस वॉज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया कॉमनली कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल अभी हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड इन सम्रोटीस लाइक क्राइजोफाइट डायनोफ्लैज और यूग्लिनोइ तो ये दोनों किंगडम में प्लास्टिक होते हैं नली प्लांट्स में और कुछ प्रोटीस में जैसे क्राइजोफाइड्स डायनोफ्लाइजिलइट्स और यूग्लिन एनिमल्स में प्लास्टिक में प्लास्टिको प्लास्टिक दे आर इजीली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज इन साइज एंड दे आर ऑफ वेरियस कलर डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन देम बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिक कैन बी क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट तो पहले हम देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिक ऑफ वेरियस शेप एंड साइजेस एंड दे स्टोर न्यूट्रिय उसके तीन और सब टाइप है अमाइलोप्लास्ट इलियोप्लास्ट और एलियोरोप्लास्ट तो आप देख सकते हो अमाइलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च इलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट और एलियोरोप्लास्ट दे स्टोर प्रोटीन तो यहां पर बहुत बार सवाल आते हैं ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स। दे आर फर्डर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स अमाइलोप्लास्ट इलियोप्लास्ट एंड एलियोरोप्लास्ट अमाइलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च न्यू स्टूडेंट्स के लिए स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इट इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। इलियोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट एंड एलियोरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू प्लांट्स लाइक येलो ऑरेंज रेड कलर टू टू वेरियस पिगमेंट्स लाइक लाइकोपीन कैरोटीन तो लाइकोपिन को आपको लिखना है बेटा रेड कैरोटीन को आप लिख सकते हो ऑरेंज और एक पिगमेंट में आपको लिखवाता हूँ जैंतोफील दिज आर कैरोटीनॉइड्स जो हम बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ने वाले हैं और फोटोसिंथेसिस में जेंटोफील्स को आप लिखो येलो तो ये वेरियस कलर इम्पैक्ट करते हैं दिस पिगमेंट्स टू दैट स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट यू नो दे आर द मेजर साइट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड दे आर ग्रीन इन कलर तो ये हमने पढ़े प्लास्टिक्स के तीन टाइप ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट का मेन काम है टू ट्रैप द लाइट एनर्जी विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर फोटो फॉर फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं अलग अलग पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड ठीक है वो आगे हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं पिगमेंट्स मैं आप मेंशन कर देता हूँ क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफील फिर कैरोटीनॉइड्स स्पिगमेंट जो लाइट को ट्रैप करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस जो हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं अभी हम विद द हेल्प ऑफ स्लाइड कुछ और पढ़ते हैं प्लास्टिड्स के बारे में तो जैसा लिखा है मैंने प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट हम डिटेल में बात करेंगे अभी क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया जैसी दो मेमरेन होती है आउटर एंड इनर बट बोथ मेमरेन आर स्मूथ जो आगे हम डायग्राम के मदद से देखेंगे दे आर प्रेजेंट इन मीजो मतलब मिडल फील मतलब लीफ जैसा हमने पहले देखा था जो राउंड एंड ओवल सेल्स होते हैं मिजोफिल सेल्स ऑफ लीफ वहां पर क्लोरोप्लास का नंबर ज्यादा होता है दे आर ऑफ वेरियस शेप अलग अलग शेप के वो हो सकते जैसे ओवल स्पेरिकल डिस्क लाइक रिबन लाइक ये हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में आई विल रिपीट ओवल स्पेरिकल डिस्क राइक रिबन लाइक ठीक है ऐसे अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वेरियस प्लांट सेल्स में उसकी लेंथ होती है अबाउट फाइव टू टेन माइक्रोमीटर और विथ टू टू फोर माइक्रोमीटर इट्स नंबर वेरीज इट मे बी ट्वेंटी टू फोर्टी पर मीजोफिल सेल हायर प्लांट्स में जैसे बीस से चालीस ट्वेंटी टू फोर्टी क्लोरोप्लास हो सकते हैं एक ही सेल में लेकिन क्लैमिडोमोनास जो यूनिसेलुलर ग्रीन अल्गी है उसमें द नंबर इज ओनली वन परसन सो द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरीज एज अकॉर्डिंग टू द सेल इन अ मीजोफिल सेल इट मे बी ट्वेंटी टू फोर्टी पर सेल इन क्लैमिडोमोनास अ यूनिसेलुलर ग्रीन अलगी इट इज़ ओनली वन परसल तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है अब हम डायग्राम के मदद से देखते हैं सेक्शनल व्यू या अल्ट्रास्ट्रक्चर अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो जैसा आप देख सकते हो जो जो मार्क करता तो हूँ आप ध्यान देना आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन फिर जो इसका मैट्रिक्स होता है उसे कहते हैं स्ट्रोमा इस फिर इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं और इसमें खुद का डीएनए होता है माइटोकोंडिया जैसा अब आप ये जो देख सकते हो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दे आर ग्रैना तो ये जो डिब्बे हैं दीज आर ग्रैना और उसके इंडिविजुअल मेंबर्स को कहते हैं थैलेकॉयड तो ग्रैना किससे बना है थैलेकॉड से बहुत सारे थैलेकॉइड एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन एंड दे फॉर्म ग्रैना तो ग्रैना से थैलेकॉइड बना है या थैलेकॉयड से ग्रैना थैलेकॉड से ग्रैना मेनी थेलेकॉड्स आर अरेंज इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइंस टू फॉर्म ग्रैना ग्रैना के इंडिविजुअल मेंबर को कहते हैं थेलेकॉर्ड ग्रैना में होती है बेटा लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अभी के लिए आप याद रखना लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन डैश पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट तो आप कहोगे ग्रैना वैसे डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन द स्ट्रोमा तो लाइट रिएक्शन ग्रैना डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा ये दोनों रिएक्शन हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग टॉपिक ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है जो जो स्टूडेंट्स न्यू ज्वाइन हुए अभी उनके लिए और एक बार कहता हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इट इज द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल अदर टॉपिक्स आर डिपेंडेंट अपॉन दिस टॉपिक ठीक है तो आप इसे अच्छे से पढ़ना अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं राइबोसोम्स सेवेंटी एस राइबोजोम्स है प्रो कैरियोटिक सेल और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही उसके स्प्लिट आपको पता है फिफ्टी एस प्लस थर्टी एस वॉट इज एस और एक बार मैं रिवाइज करता हूँ स्वेडबर्ग यूनिट जो हमने पहले पढ़ चुके तो जो स्टूडेंट्स को ये राइबोसोम्स के बारे में का स्वेटबर्ग यूनिट के बारे में का इंफॉर्मेशन चाहिए वो उन्होंने पहले का लेक्चर प्रोकैरियोटिक सेल वाला लेक्चर में आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगा तो राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर सेवेंटी एस टाइप राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर सेवेंटी एस टाइप एंड राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ज सेवेंटी एस टाइप ठीक है तो ये तीनों के रॉबोजोम्स सेवेंटी एस टाइप होते हैं जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे यू कैरियोटिक सेल के साइटोप्लाजम में मैं यहां से निकालता हूं यू कैरियोटिक सेल के साइटोप्लाजम में जो राइबोजोम होंगे ये रायबोजोम हम किसकी बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर की क्लोरोप्लास्ट के अंदर के राइबोजोम्स सेवनटी टाइप लेकिन यू कैरियोटिक सेल के साइटोप्लाजम में जो राइबोजोम होंगे वो होते हैं एटीएस टाइप तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के रायबोजोम्स सेवेंटीएस लेकिन यू कैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स कैटर्ड होते हैं वो 70S एस नहीं होते वो हैवी होते हैं दे आर ए एस टाइप जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अभी के लिए आप याद रखो द राइबोसोम्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट आर 70S एस टाइप फिर इसमें भी होता है डी एन ए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर बहुत सारे डी एन ए होते हैं इसमें साथ ही साथ आर एन ए भी होता है डीएनए और आरएनए और राइबोसोम्स होने के कारण क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो कॉल एस सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना ग्रैना जब लाइट रिएक्शन होती है उसकी एक स्टेप होती है उसमें रिलीज होता है ऑक्सीजन तो ग्रैना इज द साइट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज जो हम फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे ठीक है तो क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट सेल्स एंड इन सम प्रोटेस्ट फिर आप देख सकते हो मैंने ये तीन ग्रहना निकाले हैं जिसे मैं लेबल कर रहा हूँ वन टू और थ्री दो ग्रहना को जो चीज जोड़ रहा है उसे कहते हैं स्ट्रोमल लैमिले या फ्रेट्स मेम्ब्रेन या इंटरग्रैनल थैलेकॉयड दो ग्रहना को जोड़ने वाला थैलेकॉयड को कहते हैं इंटरग्रैनल थैलेकॉइड या स्ट्रोमल या फ्रेट्स मेम्रेन फिर आप देख सकते हो थैलेकॉयड ये एक मैंने ग्रहना को डिटेल में यहां पर ड्रॉ किया है तो आप देख सकते हो थैलेकोइड के अंदर के पार्ट को कहते हैं ल्यूमेन और जो मैंने कहा था ना आपको ग्रैना में ऑक्सीजन रिलीज होता है वो एग्जैक्टली रिलीज होता है ल्यूमेन में सो ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ल्यूमेन ऑफ द थैलेकोइड एंड थैलेकॉयड मेकअप ग्रैना तो ये एक कंसेप्ट आप याद रखना फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप याद रखना जैसे पायरेनॉइड्स दे आर स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज सीन इन ग्रीन अलगी स्टार्च यहाँ पर स्टोर होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन अलगी में पायरेनॉइड होते हैं जैसा मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ समझो ये है पायरेनॉइड तो कहाँ देखे जाते हैं सिर्फ ग्रीन अलगी में दे आर स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन अलगी जैसा मैंने फंक्शन कहा फ़ोटो सिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन नाम की प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में होती है फोटो सिंथेसिस तो आपको पता है सी ओ टू को फिक्स करके विद द हेल्प ऑफ सी ओ टू एंड वाटर ग्लूकोज इज प्रोड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन साइड क्लोरोप्लास दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेस फोटो रेस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस है जो हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लान्स वाले टॉपिक में आएंगे ठीक है तो अगर आपको कोई पूछता है एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है तो आप कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन में कौन सा सेल ऑर्गेनल पार्टिसिपेट करता है क्लोरोप्लास्ट ठीक है फोटो रेस्पिरेशन के बारे में और एक बात मैं आपको भी बता देता हूँ फोटो रेस्पिरेशन की जो स्टेप होती है वो तीन सेल ऑर्गेनल में होती है कुछ स्टेप होती है क्लोरोप्लास्ट में कुछ होती है पर नाम के सेल ऑर्गेनल में जो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं परिसोम्स और कुछ होती है माइटोकॉन्ड्रिया में तो फोटो रेस्पिरेशन ऑकर्स इन डैश डैश एंड डैश सो आंसर विल बी क्लोरोप्लास्ट पर ऑक्जिसम्स एंड माटोकॉन्ड्री तो ये फोटो रेस्परेशन के बारे में मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताए आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए सो दैट योर इफ़ योर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ योर बेस या बेसिक टॉपिक इज स्ट्रॉग देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एंड फोटो रेस्परेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना क्लोरोप्लास एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एस सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेइज बिकॉज दे है आर डीएनए आरएनए और राइबोजोम्स ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या याद रखोगे बेटा स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन लाइट या डार्क इट इज अ साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटो सिंथेसिस एंड ग्रेनाइज साइड ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिथेसिस ग्रेनाइज मेड अप ऑफ थैलेकॉड्स थैलेकॉइड्स के अंदर का जो पार्ट होता है लूमैन लोमेन में रिलीज होता है लाइट रिएक्शन के एक स्टेप के वक्त ऑक्सीजन राइबोजोम सेवनटी एस टाइप उसके दो सब यूनिट्स फिफ्टी एस और थर्टी एस क्लोरोप्लास्ट का शेप वेरिएबल ठीक है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड इन सम प्रोटिस्ट फिर बेटा आप याद रखना स्ट्रोमा में जैसा मैंने कहा डार्क रिएक्शन होती है तो वहां पर वेरियस इंज रहते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन उसके अंदर डी एन ए भी स्कैटर्ड है जैसा हमने यहाँ पर बताया है ठीक है आर एन ए रहते हैं राइगोजोम सब स्कैटर्ड होते हैं स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में ग्रैना में जैसा मैंने बताया आपको लाइट रिएक्शन होती है तो वहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट रहेंगे जो लाइट को ट्रैप करते हैं कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट रहेंगे जो लाइट को ट्रैप करते हैं तो कहाँ पर रहते हैं पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स वो होते हैं ग्रैना में उसके थैलेकॉइड के अंदर और वहाँ पर लाइट को ट्रैप किया जाता है तो लाइट रिएक्शन के लिए पिगमेंट ज़रूरी है जो लाइट को ट्रैप करेंगे फोटोसिंथेसिस करने के लिए तो ये पॉइंट्स मैं लास्ट में और, और और एक बार आपको मैंने रिवाइज करवाया सच्ची तो बेटा ये सब आने वाला है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स वाले टॉपिक आप इसे अच्छे से रिवाइज करना माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट कुछ अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट करके डाउट पूछ लेना ठीक है और एन के साथ साथ नोट्स का भी इसमें रेफरेंस आप लेना थैंक यू